दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर बरसी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका में कार्यरत आशा बहुओं ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को ज्ञापन सौंप, वेतन बढ़ाने की मांग की। नवविवाहिता की मौत के बाद मायके ससुराल पक्ष में हुई पंचायत, बात नहीं बनने पर मायके पक्ष ने थाने में दर्ज की रिपोर्ट। हीरा ईट उद्योग परिसर में झारखंड निवासी मजदूर की हत्या, साथी मजदूर दंपति ने वारदात को दिया अंजाम। ग्राम सचिवालय के सचिव के साथ मारपीट, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। अमरोहा के दो दिवसीय प्रवास पर चल रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने फार्म हाउस पर भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देश तोड़ने वाले लोग शामिल हैं, ऐसे में यह यात्रा भारत जोड़ने वाली कैसे हो सकती है। है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा ना इतिहास का अध्ययन करते हैं ना अपने इतिहास का पार्टी का, उनको गुंगी गुड़िया कहने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे कांग्रेस के जब इनको बनाया गया था, ये शायद भूल गए। ये बात कौन किस रास्ते पर चल रहा है इसका फैसला तो जनता करेगी। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश से उसका सफाया होता जा रहा है। अब जनता जिसको स्वीकार करती है तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जनता की राय सर्वोपरि है या कोई व्यक्ति विशेष कुछ कहता है और वो भी हताश होकर कहता है, उसको कितनी संजीदगी या गंभीरता से सुनना है ये भी सोचने वाली बात है। प्रयागराज के यमुना पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका में कार्यरत आशा बहुओं ने धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशा बहुओं ने राज्य सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से 21,000 करने और प्रोत्साहन राशि का समय से भुगतान करने की मांग उठाई। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को ज्ञापन पत्र सौंप कर समस्या से अवगत कराया है। हम लोग समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे आए हुए हैं किस लिए कि हम लोग आज एक ज्ञापन देना था अधीक्षक सर को, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग इसलिए आए हैं, इसलिए कर रहे हैं धरना कि हम लोग को राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ठीक है, न्यूनतम 18 से 21,000 तक हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोगों का ये मामला है जो पिछले 6 महीने 8 महीने जो हम लोगों का एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। हम लोग गांव-गांव में घूम के लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं लेकिन सरकार हम लोगों की समस्याओं को नहीं दूर कर रहा है। हम आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पे अपने अधीक्षक सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी ये मांगे जो हैं आगे सरकार तक पहुँचाए जाएँ। कानपुर में द स्पोर्ट्स हब के सहयोग से हॉर्स राइडिंग फेडरेशन ऑफ यूपी हॉर्स राइडिंग की प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। हॉर्स राइडिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में मैदानों को चिन्हित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन से सेडली ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा और कानपुर के छोटे कारीगरों और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। फेडरेशन के सेक्रेटरी अजय गुप्ता ने बताया कि OEF नगर पालिका और पुलिस ग्राउंड को चिन्हित किया गया है। प्रारंभ में पुलिस प्रशासन आर्मी के घोड़ों का इस्तेमाल होगा, बाद में क्लब बनाकर हॉर्स राइडिंग के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन ने भाऊराव देवरस चिकित्सालय में अनपूरक सम्मान समारोह में 2022-2023 का आयोजन किया। संस्था के संस्थापक ओम सिंह ने अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और तीमारदारों को 10 रुपए में पर बेट भोजन उपलब्ध कराने की जानकारी दी। विधायक नीरज बोरा, समाज सेविका बिंदु बोरा, पूर्व DGP सुलखान सिंह, SP महानगर जया शांडिले ने संस्था के लोगों को सम्मानित किया और जरूरतमंदों को कम्बल वितरित किए।
आज चेतन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित जो सीता रसोई प्रोग्राम है यहाँ पे आउरस देवरस अस्पताल में, तो इसके मौके पर मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ चेतन वेलफेयर फाउंडेशन की ओम जी इस संबंध में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और ये उनके अनेक सामाजिक कार्यों में से एक कार्य है जो यहाँ हो रहा है, तो मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ और इस अच्छे कार्य को मुझे बधाई देता हूँ। चेतन फाउंडेशन की तरफ से जो इनके संचालक है ओम जी का कल निमंत्रण प्राप्त हुआ था और यहाँ आने के बाद मैंने देखा चेतन फाउंडेशन कितने फ्रंट पे काम कर रहा है और नारी सशक्तिकरण है यहाँ पे हर फ्रंट से, डॉक्टर, समाज सेविका, कई डिफरेंट स्ट्रीम के लोग, योगाचार्य लोग जुड़े हुए हैं और चेतन फाउंडेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसके लिए मैं ओम जी को बधाई देती हूँ। सुल्तानपुर के मुजहना गांव में स्थित हेरा ईट उद्योग परिसर में मामूली कहासुनी के बाद एक झारखंड निवासी मजदूर की साथी मजदूर और उसकी पत्नी ने गला घोटकर हत्या कर दी और घटनास्थल से आरोपी पति पत्नी फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पहुंचे एसएसपी विपुल श्रीवास्तव, एसपी सोमेन वर्मा और कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हत्या में शामिल चाकू बरामद कर पुलिस टीम गठित कर आरोपियों के गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में झारखंड मुख्यालय पुलिस ने लगातार संपर्क कर रही है पुलिस से। ये थाना कादीपुर क्षेत्र का मामला है, यहाँ पे ईट भट्टा है जिसमें झारखंड के कुछ लेबर रहते थे, इसमें दो लेबर पति पत्नी और एक लेबर रुद्दू जो मृतक है साथ में कल रात में खाना पीना खा रहे थे, उसी चीज़ को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ जिसमें जो पति पत्नी इनके पति पत्नी के साथ इनका झगड़ा हुआ और पति पत्नी द्वारा इनका हत्या की गई। पुलिस अपनी तीन टीम गठित कर दी है, अलग अलग जगह से बात हो रही है, झारखंड से भी यहाँ पुलिस संपर्क में है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रॉनिक सिटी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गेट नंबर 3 पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों की कड़ी पूछताछ में अन्य आरोपियों की चोरी में शामिल होने की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं, ट्रॉनिका सिटी में स्थित फैक्ट्रियों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के पास से करीब 19 बोरे बरामद हुए जिनमें टी शर्ट, जींस शामिल है जिसकी कीमत बाजारों में लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कल थाना ट्रॉनिका सिटी और स्वाट देहात टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान भी दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम दिलवर था और उसके एक साथी को पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए मौके से ही गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम सुहेल। औरैया के एरवा कटरा दासीपुर गांव में नवविवाहिता की मौत के बाद मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने किसी को सूचित किए बिना 24 घंटे तक शव को घर में रखकर पंचायत की। मायके पक्ष ने समझौता नहीं होने पर दिव्यापुर थाने में नवविवाहिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की जानकारी पर पहुंचे सीओ महेंद्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष जीवाराम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाने की जानकारी दी। यहाँ पर साहब हम लोग तो बाद में आए पाए, फांसी लगा के मार दिया गया। किसने? एक मधु ने मारा साहब, एक सास ने मारा। किसको मारा? हमारी बहन को मारा। क्या नाम है बहन का? प्रीति नाम है। कब मारा? कल की घटना है साहब। ये पता नहीं कल हुई है कि घटना, उसके बाद में हमको पता नहीं। जब पूरे गांव में सूचना होगी उसके बाद में हमारे भाई को पता लगा, उसके बाद में हमको पता लगा। इन लोगों ने बताया भी नहीं कि तुम्हारी बहन मरी है कि नहीं मरी, बेदर्दी करके मारा है, यहाँ से पूरा छिला पड़ा है। तो आपने क्या थाने में सूचना नहीं दी? अभी सूचना नहीं दी, अभी नहीं दिया अभी, दिया सूचना अभी हम लोगों से पहले ही लोग ने दरोगा बुलाया कि सूचना करी और सब घर का सामान जितना था सब बाहर निकलवा दिया। आज दिनांक 28/12/2022 को एरवा कटरा थाना क्षेत्र के दासीपुर गाँव में एक महिला के सुसाइड की सूचना प्राप्त हुई जिसमें एरवा कटरा पुलिस मौके पर पहुँच कर सब को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। सर ये कब की घटना है? घटना कल की सायं की बताई जा रही है।
औरैया के सैयल थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर कार्यवाही करते हुए धर्म परिवर्तन कराने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सैयल थाना पुलिस दरोगा ने महिला रसूख के दबाव में सभी आरोपियों पर धारा 151 की कार्यवाही कर बरी कर दिया था। पुलिस अधिकारियों धर्म परिवर्तन कराने वाले वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के गांव धनौली चिनौली में ग्राम सचिवालय के सचिव केपी सिंह के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने कहासुनी के बाद जमकर मारपीट की। पीड़ित सचिव केपी सिंह ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है। ब्लॉक अकराबाद ग्राम पंचायत अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर मारपीट के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मैं 23 मई केपी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी दिनांक 23 दिसंबर को अपने पंचायत सचिवालय धनौली चिनौली पर अपना कार्य कर रहा था कंप्यूटर सिस्टम पर। कुछ समय पहले एक प्रधान जी के पास गोलू उर्फ दुष्यंत सनोप संजय सिंह का फ़ोन आया कि आप कहां पर हैं। उनसे मेरी लोकेशन की जानकारी ली गई। जानकारी के बाद उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट बाद 3 लड़के भेजे। उन लड़कों ने मेरे साथ गाली गलौज मारपीट जान से मारने की नीयत से हमला किया मेरे पास और मुझे बहुत सारी धमकी दी। मेरे साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, तो उसमें हम लोगों ने FIR दी थी थाने में, लेकिन अभी तक जो है किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी साथी जो है आक्रोशित हैं, इनमें भय व्याप्त है, कोई भी अपने जो है अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस कारण हम लोग सभी यहां पर बैठे हुए हैं। आरोपित की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 23/12 को हुआ था इनके पंचायत घर बिनौली चिनौली पे, वहाँ पर कुछ झड़प हो गई थी 3-4 व्यक्तियों के द्वारा, मारपीट पूरी हुई थी वहाँ पर। तो उसके लिए क्या कार्यवाही चल रही है और क्या कार्यवाही की इनकी मांग है, उसके लिए ये ज्ञापन यहाँ पर सचिव द्वारा, उनकी अध्यक्षता केपी सिंह द्वारा करी गई, श्री केपी सिंह द्वारा, और उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। क्या मांगा है ज्ञापन में? 3 दिवस में जो आरोपी हैं उनको जेल भेजने की मांग करी गई है, अन्यथा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा विकास खंड के सचिवों द्वारा। सहारनपुर पुलिस कप्तान विपिन टाडा के निर्देशन में वंचित आरोपियों और अपराध की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। थाना नकुड़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2018 में खेड़ा अफगान बाजार में महिला से लूट करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। SP देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि आरोपी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है, पिछले 4 सालों से फरार चल रहा है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देश पे पूरे जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध उनके धरपकड़ का अभियान चल रहा है, और इसी अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस ने सन 2018 में खेड़ा अफगान बाजार में एक महिला के साथ लूट हुई थी। इस लूट को कारित करने वाला एक अपराधी जीत कुमार, जो कि पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की है। मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में इस अपराधी ने बताया कि ये पंजाब जिले में खन्ना जगह पे, वहाँ पे ये खानाबदोश की तरह लेबरी का काम करता था। मुखबिर ने सूचना दी कि ये इस तरह से आज आने वाला है। इसी सूचना पे हमारी पुलिस टीम जो लगातार इसकी तलाश में थी, उसने इसकी गिरफ्तारी की है। इस अभियुक्त पे थाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।